देखो आज हम इस्लामियत के नेक्स्ट एम सी क्यूज को सॉल्व करते हैं। हमने 5 क्लास की इस्लामियत स्टार्ट की है, इससे पहले हमने 4 क्लास की इस्लामियत के एम सी क्यूज कम्प्लीट कर लिया और बेसिक मैथ का पोर्शन भी 4 से लेकर 8 तक हमने कम्प्लीट कर लिया। वैसे इस्लामियत हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एफ पी एस सी को, एफ आई ए को, किसी भी किस्म के एग्ज़ाम्स हो, उसमें इस्लामियत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो आज चैप्टर स्टार्ट करना है आखरत, इसके हम एम सी क्यूज देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एम सी क्यूज़ बन सकते हैं। वैसे ही आखिरत का चैप्टर जो 5 क्लास का था बहुत ही ईजी है, इसका हम पहले एम सी क्यूज़ देखते हैं कि ये दुनिया है आरसी, नेक लोगों को इनाम में मिलेगी जन्नत। नेक्स्ट है, इंसान को दुनिया में भेजा गया आजमाइश के लिए, हदीस के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी बसर करें एक मुसाफिर की तरह, आखिरत पर यकीन रखें। आखिरत पर कौन यकीन रखता है? मोमिन। आखिरत के नाम हैं, आखिरत के 3 नाम हैं, योम अल कियामा, योम अल हकाता, योम अल दीन। नेक्स्ट है, ईमान मुफस्सिल में 5वें अकीदे का नाम है, 5वां अकीदा है आखिरत पर ईमान लाना। आखिरत के लघवी मायनी है बाद में आने वाली चीज़, आखिरत का मुतजाद है दुनिया। हदीस की रूह से किस दिन क्यामत वाक़ होगी? जुमे के दिन। किस फरिश्ते के सूर फूकने से क्यामत वाक़ होगी? हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम से। ये 5 क्लास का फर्स्ट चैप्टर के एम सी क्यूज़ हमारे कम्प्लीट हो गए। अब हम चैप्टर 2 के एम सी क्यूज़ देखते हैं, इसके जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं हम वो करते रहेंगे। इसका पहला एम सी क्यूज़ देखते हैं, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे। रसूल के लफ्ज़ी मायने हैं पैगाम देने वाले, नबी के लफ्ज़ी मायने हैं ख़बर देने वाले। रसूल के लफ्ज़ी मायने थे पैगाम देने वाले और नबी के लफ्ज़ी मायने हैं ख़बर देने वाले, दोनों में डिफरेंस याद कर लेना। नेक्स्ट ये है कि सबसे आखिरी में कौन से नबी तशरीफ लाए? सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सबसे पहले नबी हज़रत आदम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मुन्नबी होने का जिक्र किस सूरत में है? सूरत अल अज़ाब में। अरबी में ख़त्म को कहते हैं महर। नेक्स्ट है कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रिसालत या नबुव्वत का दावा करेगा वो झूठा और दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इस अकीदे को हम क्या कहते हैं? ख़त्म नबुव्वत। ख़त्म नबुव्वत का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के दैश नहीं हैं बल्कि पैगम्बर और नबियों के मेहर हैं और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है तो हम क्या हुए? फिर आखिरी उम्मत। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल की गई। अतात के लफ्ज़ी मायने हैं पैरवी करने के। तो चैप्टर इसके एम सी क्यूज़ कम्प्लीट हो गए। नेक्स्ट डेली बेसिस पे हम ऐसे ही 1 या 2 चैप्टर हम करते रहेंगे ताकि हमारे जल्दी जल्दी एम सी क्यूज़ भी इस्लामियत के कम्प्लीट हो जाए, तो ताकि हम फिर कोई और बुक स्टार्ट करें। एजुकेटर की अनाउंसड करता है आज नहीं कल नहीं, ऐसे ऐसे बोलता रहता है डेली कि अब आ जाएगी कल आ जाएगी। तो बट आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी एजुकेटर्स की जॉब्स आ जाएंगी। आप पंजाब बुक्स को उठाएं, उनके रिवाइज करें, उनके डेली बेसिस पे 1-2 चैप्टर रीड करें, उनके एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तो आप लोगों के इंशाल्लाह ताला अच्छा ही टेस्ट हो जाएगा एजुकेटर का। डेली बेसिस पे कोई ना कोई बुक पढ़ते रहें। मैंने मैथ का पोर्शन तो कंप्लीट करवा दिया, पंजाब टेक्स्ट बुक का तो आप लोग इधर से भी देख सकते हैं, आप लोग इधर से देख करते रहें, ठीक है।